पूरे देश का जो भंडारण है छत्तीसगढ़ का, उसका मात्र 2% कोयला है उस जंगल के नीचे, और नुकसान ज़्यादा है। तो जो बाकी 17% 16% छत्तीसगढ़ में अन्य मैदानी इलाकों में, आप पहले वहाँ चल दीजिए। अच्छा, वहाँ नहीं जा रहे? वहाँ नहीं जा रहे, चूँकि उसको अडानी को देना है, अडानी की खदान है, तो कैसे करें। तो कुल मिलाकर के एक जो दोस्त है इनका, इनका जो नेपोटिज्म इनका जो चल रहा है मोदी जी का और इनके बीजेपी की सरकार का, वो यही है कि अडानी को फायदा देने के लिए जिसकी जान जाए तो जाए, आस्था जाए तो जाए, लेकिन हम कोयला खदान खोज। तो वहाँ पर राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी, जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, उन्होंने आदेश दिया था 2021 में कि फर्जी ग्राम सभा की जो बात हो रही है उस पर जांच हो और 15 दिवस के भीतर मुझे इसकी कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया जाए। आज तक जांच नहीं हुई। सोच के देखिए, राज्यपाल कह रही हैं और जांच नहीं हो रही है, और 15 दिवस बोली, आज 2 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये स्थितियां वहां पे चल रही हैं, और ऐसे में हम एक ही डिमांड कर रहे हैं कि आप जो WII कह रहा है सर, जो विशेषज्ञ, मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उनको मान लीजिए, जो कानून कह रहा है उनको मान लीजिए, संविधान की 5वीं अनुसूची का जो इलाका ग्राम सभा उसको मान लीजिए। ऐसे में जहां पर रामराज्य की बात कर रहे हैं मोदी जी और इनकी बीजेपी की सरकार, हम कह रहे हैं कि चलिए उन्हीं की बात करते हैं। राम जी जिस वन में रहे उसी वन को आप काट रहे हैं, उन्हीं बूढ़ा देव को काट रहे, उनकी आस्था का कोई प्रश्न नहीं है, हमारी आस्था का कोई प्रश्न नहीं है। तो ये तमाम सवाल है, इस तमाम सवालों को लेकर के लगभग 12 वर्षों से ये संघर्ष वहाँ पे चल रहा है अभी भी की है। और मुख्य मुद्दा है हसदेव का जंगल, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं और हसदेव का बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, दरअसल छत्तीसगढ़ का मुद्दा है नहीं, ये देश का मुद्दा है। ये छत्तीसगढ़ का जो हसदेव फॉरेस्ट एरिया है, ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है मध्य भारत का, और मध्य भारत का इसको फेफड़ा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ चाहे कांग्रेस शासन में रहे या बीजेपी शासन में रहे, हर समय चर्चा का विषय रहता है, और खास तौर से आदिवासियों के जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेकर। हसदेव जंगल आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सुनते होंगे, अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब तो राम राज्य की घोषणा हो गई है, राम राष्ट्र की घोषणा, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो इस राम राष्ट्र में, देव राष्ट्र में आदिवासियों के साथ क्या होने वाला है, क्या संभावना है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। हमारे साथ प्रियंका शुक्ला हैं, एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ऑनलाइन इनका इंटरव्यू मैंने अम्बेडकर नामा पर किया है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज ऑफलाइन हूँ, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ। एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी में स्पोक्स पर्सन भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। आज ये दिल्ली आई हैं और इसी विषय पर इन्होंने एक प्रेस वार्ता की है कि आखिर हसदेव जंगल में चल क्या रहा है और आदिवासियों के साथ हो क्या रहा है। प्रियंका से जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है और किस दिशा में जा रहा है, आपको दिल्ली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कई सोशल मीडिया के साथ ही हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है प्रियंका जी, आपका स्वागत है सभी चैनल्स पे, और अब फ्लोर आपका है, बताएं कि चल क्या रहा है आखिर। देखिए, छत्तीसगढ़ से आके दिल्ली में प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ी, उसका एक विशेष कारण है कि शायद जंगलों की आवाज़ वहीं दबी रह जा रही है, और मुझे लगा कि देश की जनता को ये बताने के लिए दिल्ली से प्रेस वार्ता करना बेहद ज़रूरी था, और दूसरा कि हमारे प्रदेश स्तर पे और जो राष्ट्रीय स्तर पे नेता हैं उनका भी था कि इधर पे ये काम को करना है। तो आज हमने प्रेस वार्ता की है और मुख्य मुद्दा है हसदेव का जंगल, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं और हसदेव का बात करते तो लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, दरअसल छत्तीसगढ़ का मुद्दा है नहीं, ये देश का मुद्दा है। ये छत्तीसगढ़ का जो हसदेव फॉरेस्ट एरिया है, ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है मध्य भारत का, और मध्य भारत का इसको फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा घना जंगल है, 1,70,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ जंगल है। लगता शायद दिल्ली का भी कितना बड़ा भौगोलिक स्थल का नहीं पता, पर शायद उससे भी बड़ा निकल पाएगा अगर हम मापन करेंगे तो। और ऐसे इलाके में, और ये सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इसके साथ साथ सिर्फ फॉरेस्ट्री बल्कि वहाँ कई प्रकार की जैव विविधता, जो हम पूरा जलवायु वायु परिवर्तन पर जब बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी बात करते हैं तो उसकी भी बात है कि किस तरीके से पेड़ पौधे, कई प्रकार के जो डाइवर्सिटी, कई प्रकार के हाथी रिजर्व, भालू, ये तमाम चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। और ऐसे में, और इसके अलावा वो एक 5th शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, 5वीं अनुसूची संविधान की वो अनुसूची है जिसमें एक खास प्रकार के लॉज है
जहाँ पर ग्राम सभा को अधिकार है अगर कोई भी परियोजना आपको वहाँ पे लागू करनी है। अब हसदेव के मामले में हो ये रहा है कि बीते 12 वर्षों से, एक दशक से ऊपर की लड़ाई हो गई वहाँ के लोगों की, वहाँ के लोग लड़ रहे हैं, वहाँ के हम जैसे लोग भी उसमें शामिल हैं लगातार, आम आदमी पार्टी भी उसमें लगातार, हमने घेराव किए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन, एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है भाई, हम एक ज्ञापन देंगे, हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, धरना करेंगे, इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो हमने हर वो लेवल पे जो करना चाहिए हमने किया, उसके बाद भी क्वान में जू नहीं रहेंगी, तो आज हमको दिल्ली से ये बात कहनी पड़ रही है। अब उसमें ये हो रहा है कि ग्राम सभा की अनुमति जो होनी है वो अनुमति नहीं, अब समझ लीजिए ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा गवर्नमेंट बॉडी ही है, एक गवर्नमेंट बॉडी। ये बताइए हमारे दोस्तों को, ये बताइए कि आखिर हसदेव का जो मामला है, आपने कहा कि 10 साल पुराना है जी, 10-12 वर्ष हो गए, 12 साल हो गए जी, तो हसदेव का जो मसला है वो मसला है क्या, पहले इसका ओरिजिन जनरेशन। हाँ, उसी पे आते हैं। तो बेसिकली हसदेव जो ये इलाका है, आपको पता होगा पूरे देश में जो कोयला भंडारण है हमारा, उसका 18% कोयला का भंडारण छत्तीसगढ़ में है, राइट। और उस 18% छत्तीसगढ़ में भी जो अंत मतलब हसदेव के पीछे जो लगे हैं उसका कारण है कोयला, और कोयले से भी बड़ा कारण है जितना एक्टिविटी जो तमाम बातें हैं उसका सबसे बड़ा कारण है जो मोदी जी के खास दोस्त है अडानी, अडानी। और हम तो परिवारवाद की बात करते आए थे, लेकिन यहाँ नेपोटिज्म इनके दोस्त का है, एक ही पूंजीपति जिसको ये लगातार मुनाफा देने का काम कर रहे हैं। अब वो कोल ब्लॉक जो इनको आवंटन हुआ है, परसाइस के बासन की पूरी लड़ाई है, जो कि राजस्थान का सरकार का कोयला खदान का है, और इनडायरेक्टली उन्होंने भी ठेका दे दिया है अडानी को कि अडानी ही उसको खोदेगा। अब अडानी की वो पूरी खदान और उनको पूरा मुनाफा देने का काम ये सरकार कर रही है। आज केंद्र में भी मोदी सरकार है बीजेपी की, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, यही बीजेपी की सरकार पूर्व में लगातार सवाल उठाती रही, और सरकार अभी जो हाल ही इलेक्शन हुए, अब बीजेपी की सरकार आ गई राज्य में भी, इसके पहले 26 जुलाई 2022 में सर्वसम्मति से कांग्रेस बीजेपी दोनों के लीडर्स ने सदन के अंदर छत्तीसगढ़ असेंबली में प्रस्ताव ला करके ये कहा कि हम सभी खदानों की मंजूरी रद्द करेंगे और समर्थन व्यक्त किया। अच्छा, उसके बाद भी इंटरेस्टिंग है 2022 26 जुलाई का वो डेट का, आज भी वो तो ऑन रिकॉर्ड होता है सब कुछ, मेरे पास वो कागज है, मैं आपको मुहैया कराऊंगी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में होकर भी पलट गए, इन्होंने खुद भी बोला नहीं होना चाहिए। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एक स्टडी हुई थी WIA की, जो वन्य जीव संस्थान है जो कि सरकार के अधीनस्थ ही काम करता है, सरकार के अधीनस्थ एक बॉडी है WIA, वो भी कह रहा है कि अगर वहाँ पे खनन होता है तो चेतावनी दे रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे हाथी मानव संघर्ष बढ़ेगा। अब चूंकि जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, जो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, उनको हाथी मानव संघर्ष शायद इसी सीधे सीधे नहीं समझ में आए, आप ये मान के चलिए कि जंगल पूरे काट दिए जाए तो वो जो भालू हाथी कहाँ जाएगा, आपके घर में घुसेगा, तो उससे क्या। अब देखिए पूरे देश में 1% जो WIA कहता है, वो कहता है 1% हाथी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन सबसे ज्यादा होने वाली हाथी मानव संघर्ष की घटनाएं कहाँ पे हो रही है, छत्तीसगढ़ में 15%। और हर साल आज भी, मैं अभी जब आपसे बात कर रही हूँ, आज भी एक व्यक्ति को हाथी ने कुचल के मार दिया, क्यों, वो कहाँ जाएगा, जंगल तो काट दे रहे हो आप, डिस्टर्ब तो कर दिया आपने पूरा, और ये लगातार हो रहा है। WIA कह रहे हैं मामला ये है कि वहाँ पे कोयला खदान में उसके लिए जंगल काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे तो जो वन्य जीव है वो वहाँ से डिस्पर्स होंगे, भागेंगे, वन्य जीव डिस्पर्स होंगे, आदिवासी समुदाय 20,000-25,000 लोगों का विस्थापन का मामला है, ये पूरी संस्कृति, आप सिर्फ इसको इस तरह से मत देखिए कि सिर्फ एक व्यक्ति वो करा जाएगा, पूरी संस्कृति, मतलब आदिवासी का अपना एक संस्कृति है, डाइवर्सिटी एंड सेकेंड चीज वो भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब है, उनकी अपनी आस्था, क्योंकि आदिवासी समुदाय बूढ़ा देव को मानते हैं, देवी देवता का वास, बूढ़ा देव, बुद्धा, अच्छा मुझे उतना वो आइडिया नहीं है, पर बूढ़ा देव को पूजा करते हैं, उनके देवी देवता जंगल में वास करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, वो पहाड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, जंगल की पूजा करते हैं, उनकी आस्था का भी ये सवाल है। अब ऐसे में जहाँ पर रामराज्य की बात कर रहे हैं मोदी जी और इनकी बीजेपी की सरकार, हम कह रहे हैं कि चलिए उन्हीं की बात करते हैं, राम जी जिस वन में रहे उसी वन को आप काट रहे हैं, उन्हीं बूढ़ा देव को काट रहे हैं, उनकी आस्था का कोई प्रश्न नहीं है, हमारी आस्था का कोई प्रश्न नहीं है, तो ये तमाम सवाल है। इस तमाम सवालों को लेकर के लगभग 12 वर्षों से ये संघर्ष वहाँ पे चल रहा है, अभी भी WIA कह रहा है नहीं होना चाहिए, ग्राम सभा कह, और ये सब बजे की बार के, ये कोई आप और मैं नहीं कह रहे हैं, ये कोई NGO नहीं कह रहा है, गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट बॉडी कह रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा जल जंगल जमीन के साथ साथ वहाँ पर उसी जगह पर एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, मिनी माता बांगोडैम, मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी सतनामी समाज से, उनके नाम पे वो बांगो डैम बना है, उस बांगो डैम से
मिनी माता बांगो डैम से लगभग 4 लाख हेक्टेयर जो सिंचाई का पानी आता है किसानों को मिलता है, और किसान ऐसा नहीं, वहाँ का आदिवासी भी किसान है, तो सारे किसानों को जो सिंचाई का पानी जाता है जब ये काटा जाएगा तो उसका भी फर्क पड़ने वाला है। तो सिंचाई का पानी, जल संकट हमारे सामने वैसे भी है, तो ऐसे में करके सिर्फ ऐसा नहीं कि ये जंगल की लड़ाई है, जब वो वहाँ तक पहुँचेगी तो ये दिल्ली तक भी पहुँचेगी। यार आज हम साफ हवा की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या कहा, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड एक ही है कि सर आप मेरी छोड़िए, आपकी छोड़िए, कानून जो कहता है आप उसको सुन लीजिए। कानून कहता है पांच, अच्छा एक पॉइंट इसमें और था, मुझे लगता है उसको भी हमें बताना चाहिए कि राज्यपाल दिल्ली के अंदर, तो हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, राज्यपाल अपनी फाइल हमारी फाइल को आगे खिसकाने नहीं देते हैं, और वहाँ पर राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, उन्होंने आदेश दिया था 2021 में कि फर्जी ग्राम सभा की जो बात हो रही है उस पर जांच हो और 15 दिवस के भीतर मुझे इसकी कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया जाए। आज तक जांच नहीं हुई। सोच के देखिए, राज्यपाल कह रही है और जांच नहीं हो रही है, और 15 दिवस बोलिए, आज 2 साल बीत गया कुछ नहीं हुआ। तो ये स्थितियाँ वहाँ पर चल रही हैं, और ऐसे में हम एक ही डिमांड कर रहे हैं कि आप जो WII कह रहा है सर, जो विशेषज्ञ, मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उनको मान लीजिए, जो कानून कह रहा है उनको मान लीजिए, संविधान की 5वीं अनुसूची का जो इलाका ग्राम सभा उसको मान लीजिए। तो अगर आप इनको मान लेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, और जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने आपको भर भर के वोट दिए हैं, इसी आधार पर मिला आपको, अभी इस बार बीजेपी को बहुत अच्छी तादाद में संख्या में उनको मिला, अब उस वही लोग जो सदन में चिल्ला रहे थे आज वही लोग हैं, डबल इंजन की सरकार आ गई है, तो आज यही लीला है, यही लीला। और केंद्र का भी, अच्छा मजे की बात, वो कहते हैं केंद्र का मुद्दा है, कहता है राज्य का मुद्दा है, भाई अगर जमीन का मुद्दा है तो राज्य का भी है और माइनिंग का मुद्दा है, तो केंद्र का दोनों का मुद्दा हुआ, एक का मुद्दा कैसे है? दोनों का मुद्दा। दूसरा एक चीज और लोगों को ये बोली जाती है, आप लोग को भी शायद बोली जाएगी, कि क्या बिजली कैसे बनेगा, कोयला नहीं होगा तो क्या होगा? मुख्यमंत्री जी ने तो ये तक कह दिया था कि आप अपने घरों में बंद कर दीजिए एसी, अपना पंखा बंद कर लीजिए, ये स्टेटमेंट थे उनके। हमारा कहना है एटॉमिक एनर्जी से बनेगा, मतलब सीरियसली, मतलब इसलिए कि उनके वक्तव्य आए कि आप कैसे बनाएंगे, मैंने एक तो किसी की जान लेकर के आप करेंगे क्या, मतलब आदिवासी की जान की कीमत लेकर के आप वो करने वाले हैं क्या? दूसरा कि वैकल्पिक चीज़ों पर भी बहुत सारा काम हो रहा है पूरे दुनिया में। तीसरा, अगर उस सारी बात को मान भी लिया जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे होगा, वहाँ के लोग सबसे आगे होंगे देश की सेवा में जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूरे देश का जो भंडारण है छत्तीसगढ़ का, उसका मात्र 2% कोयला है उस जंगल के नीचे, और नुकसान ज़्यादा है। तो जो बाकी 17% 16% छत्तीसगढ़ में अन्य मैदानी इलाकों में, आप पहले वहाँ चल दीजिए। अच्छा वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ नहीं जा रहे, चूँकि उसको अडानी को देना है, अडानी की खदान है, तो कैसे करें? तो कुल मिलाकर के एक जो दोस्त है इनका, इनका जो नेपोटिज्म इनका जो चल रहा है मोदी जी का और इनके बीजेपी की सरकार का, वो यही है कि अदानी को फायदा देने के लिए जिसकी जान जाए तो जाए, आस्था जाए तो जाए, लेकिन हम कोयला खदान खो देंगे। चलिए, प्रियंका शुक्ला हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, और हसदेव जंगल का जो मसला है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का मसला नहीं, एक राष्ट्रीय मसला है। गवर्नमेंट बॉडीज कह रही है कि वहाँ जंगल न काटा जाए, लेकिन जो एक्स्ट्रा पावर है ना, ओवर द गवर्नमेंट, डबल पावर है ना, ओवर द गवर्नमेंट अडानी साहब के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ विधानमंडल के नेता हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सब काटने पे आमादा है। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इस मुद्दे को जरा गंभीरता से सुनिए कि भारत हसदेव जंगल का प्रभाव सिर्फ छत्तीसगढ़ पर नहीं, पूरे भारत पर पड़ने वाला है। शुक्रिया।